Guys, welcome to Maddy Vlogs. Hope you are doing absolutely fine. और आज तो content आप समझ ही गए होंगे जो मेरे गाड़ी पीछे दिख रहा है. आज उसके ऊपर total thorough walk around video होगा. It's not about all technical specification. वैसा video नहीं रहेगा या फिर review या फिर driving kind नहीं रहेगा. ये video completely walk around and B rolls रहेगा. कैसा लगा आपको डस्टी मडी बी रोल्स? आपको गाड़ी थोड़ा गंदा लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा गंदा है. एक्चुअली गाड़ी रात भर ट्रैवल करके आया मेरे पास, मेरे को मिला अराउंड मॉर्निंग 5 o'clock. राउरकेला से भुवनेश्वर आया, 350+ किलोमीटर रात भर ड्राइव हुआ है. पूरा रास्ता वास्ता जितना भी धूल कीचड़ मिट्टी सब आके गाड़ी पर गिरा है, तो इसी के लिए थोड़ा बी रोल में आपको डस्टी फील हुआ होगा. एनी वेज, ब्लॉग इस ब्लॉग. ये है i20 आस्ता डीजल मॉडल जो कि 1400 सीसी का है. तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में कभी दूसरा ब्लॉग में बात करेंगे. तो आज मैं पहले इसका डिटेल्स वॉक अराउंड करवा देता हूं, क्योंकि बी रोल्स तो आप लोगों ने देख के एंजॉय कर लिया है. तो अभी उसका स्टार्टिंग से एंड टू एंड पूरा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सारा व्यूज़ मैं आपको पूरा डिटेल्स में दूंगा. तो चलो पहले शुरू करते हैं फ्रंट ग्रिल से. फ्रंट में उसका हुंडई का लोगो है एंड ये जो फ्रंट ग्रिल है वो ब्लैक पियानो फिनिशिंग है विथ ऑल हेडेड विथ हेडलैम्प. इट्स नॉट ए प्रोजेक्टर और HID हेडलैम्प, इट्स ए नॉर्मल येलो लाइट वाला हेडलैम्प है. एंड फ्रंट में आपका दोनों साइड में मिल जाएगा आपको फॉग लैम्प दैट ऑल्सो सेम नॉट HID और LED है, वो नॉर्मल आपका येलो लाइट है. नाउ लेट्स कम टू द टायर सेक्शन. इसका अलॉयज है, 16 इंच का रिम है एंड 195/55 रेडियस है. 195/55 रेडियस एंड 16 इंच अलॉय व्हील्स है एंड विद द हुंडई का लोगो का बैजिंग है. एंड ये आपका सिल्वर कलर में है, इट्स लाइक सिल्की सिल्वर यू कैन से. एग्जैक्ट कलर वो आपको वेबसाइट में वगैरह मिल जाएगा. एंड यू हैव डन ए ब्लैक कलर. जनरली ये क्या करते हैं ना, सबको ये ब्लैक रैपिंग करते हैं या फिर आप ब्लैक पेंट चढ़ाया जाता है. इसमें हल्का सा ब्लैक रैपिंग तो नहीं बोल सकते, हल्का सा जो कि RTO अप्रूव्ड फिल्म लगाया गया है, इसीलिए आपको थोड़ा डीम डीम लग रहा होगा. एंड पीछे में आपका नेटेड कर्टन्स है जो कि मैं अंदर में आपको जब दिखाऊंगा तब बताऊंगा. जब हम रियर का बात करते हैं तो इसका टेल लैम्प सबसे क्या बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त दिखता है, क्योंकि ये स्लीक डिज़ाइन हैचबैक है जो कि मोस्ट सेलिंग हैचबैक
आफ्टर बलेनो आई थिंक। अभी जो उसका नया मॉडल है वो और भी ज़बरदस्त दिखता है। तो इसका जो बैकलाइट है टेल लैम्प यू कैन से वो कि कटेड है, मतलब आपको आधा पार्ट यहाँ पे मिलेगा एंड आधा पार्ट उसमें मिलेगा। एंड वी हैव ए आस्ता बैजिंग एंड CRDI जो कि डीजल इंजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, लेकिन आई गेस ये टर्न इंडिकेटर्स में भी काम करता होगा, वो थोड़ा मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा। वी हैड ए डिसेंट बूट स्पेस, वहाँ पे ऑलरेडी JBL का बेस ट्यूब है। इसका मैं अलग से आपको म्यूजिक, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुनाऊंगा। तो ये था आउटर पार्ट का थोड़ा सा वॉक अराउंड, अभी चलते हैं अंदर। अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। लेट्स गो इनसाइड। हाँ, एक तो मज़ेदार फीचर, दिस इज़ कीलेस एंट्री। आपको इसको प्रेस करना है तो लॉक हो जाएगा, प्रेस करने से अनलॉक हो जाएगा। अभी ऑलरेडी गाड़ी खुला हुआ है। तो इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, जो कि अगेन ये कीलेस एंट्री है तो पुश स्टार्ट रहेगा ही। एंड वी हैव डिसेंट टच स्क्रीन पैनल, जहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन सेवर मोड रहता है मोबाइल वगैरह में, तो उसमें यहाँ पे स्क्रीन सेवर मोड है जहाँ की डेट एंड टाइम लिखा रहता है। एंड वी हैव ऑल मैप्स, नेविगेशन, फ़ोन, FM, मीडिया, सारा फीचर्स है। तो फीचर्स का डिटेल एक अलग वीडियो आएगा। और इसमें है आपका एयर कंट्रोल, फ्रंट में हमें इसका मिल जाएगा ग्लोव बॉक्स, एंड दोनों कॉर्नर में बॉटल होल्डर यहाँ भी है, यहाँ भी है। एंड वी ऑल डोर्स आर इक्विप्ड विद पावर विंडोज, कोई मैनुअल विंडोज का ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ से बाहर से हम ORVM कंट्रोल कर सकते हैं। गैस, ये था ड्राइवर एंड को पैसेंजर एरिया का व्यू। अभी चलते हैं इसका बैक सीट व्यू, बैक सीट में देखते हैं। इट्स काफ़ी अच्छा स्पेस है, मतलब मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है एज वी कंपेयर विद द बलेनो। बलेनो का थोड़ा स्पेस ज़्यादा है आई गेस, एंड i20 का रियर पैसेंजर थोड़ा कम है, थोड़ा स्क्यूजी एंड कोजी टाइप का आपको फील होगा यहाँ पे। एनीवेज, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो ये था कुछ ऐसा वॉक अराउंड इंटीरियर एक्सटीरियर। आपको अगर कुछ और जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा टॉप व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू तो देख लिया है, बैक व्यू भी देख लिया है। एंड इसका कुछ इंस्टाग्राम इमेजेस अगर आपको देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स हैव ए टॉप व्यू। अब आप लोगों को टॉप व्यू दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना छोटा दिख रहा है गाड़ी, लेकिन काफ़ी फोटोजेनिक है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, इसी के लिए मैं थोड़ा कष्ट किया ऊपर चढ़ के आपको व्यू दिखाने के लिए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? एंड ये कोई डिटेल रिव्यू वीडियो नहीं था, जस्ट ए वॉक अराउंड वीडियो था। रिव्यू वीडियो आएगा क्योंकि 3-4 दिन मेरे पास गाड़ी रहने वाला है, तो मैं उसको चला के 0 to 60, 0 to 100 सारा आपको चेकआउट करके बताऊंगा। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड जो लोग भी चैनल पे नए हो, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ फ्यूचर में तो उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लेकिन जाते जाते ये टाइमलेस मोड को देखते जाओ।